जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भैया ठीक समझ लीजिए, भगवान नाम हमें भगवान से मिलाने की अमोघ सामर्थ्य रखता है। नाम स्वयं भगवान ही है, परंतु नाम लेते हुए भी नाम भगवान को साधारण शब्द मान लेने के कारण हमारे चित्त पर नाम का प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता। नाम एवं नामी की एकता के तत्व रहस्य का ज्ञान और उस पर श्रद्धा नहीं होने से नाम तत्काल ही हमें भगवद मिलन का सुख नहीं दे पाता। इस भ्रम एवं अश्रद्धा का आवरण ज्यों ही हमारे मन से हटा, हम अपने को भगवान के परम निकट ही अनुभव करेंगे। पारस के निरावृत स्पर्श ने जैसे लोहे को तत्क्षण स्वर्ण में रूपांतरित कर दिया, भगवान का नाम भी भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। ऐसा समझ में आते ही नाम हमें तत्क्षण ही भगवान से संयुक्त कर देगा। नाम भगवान हमारी स्थूल जीभ इंद्रिय को ही शब्द होने के नाते स्पर्श करते हैं, क्योंकि हम उन्हें मात्र शब्द मान रहे हैं। मात्र शब्द समझने के कारण शब्द ही हमारे सन्मुख प्रकट होता है, भगवान प्रकट नहीं होते। यद्यपि कालांतर में यह शब्द भी, क्योंकि भगवद्वाची है ना, हमारे भगवान के चिन्मय मिलन का कारण बन जाएगा, परंतु वर्तमान में तत्क्षण भगवान का प्राकट्य हमारी अश्रद्धा के कारण नहीं हो पाता। इस विश्वासहीनता एवं अश्रद्धा को भी नाम भगवान ही दूर करेंगे। नाम रटते रटते हमारे अविश्वास की परतें क्रमशः कम होती जाएंगी, तथा एक दिन जीवन में ऐसा अवश्य होगा जब नाम स्वतः पूर्ण विश्वास को प्रकट कर देगा। विश्वास के प्रकट होते ही नाम स्वयं ही भगवान के रूप में अपने को प्रत्यक्ष कर देगा। वह भगवान तो आज भी है, कल भी था एवं आगे भविष्य में भी रहेगा। उसके वस्तुगुण में कहीं कोई न्यूनता न थी, न है, न रहेगी। न्यूनता मात्र हमारे विश्वास की है। अविश्वास का आवरण हटा नहीं कि नाम का प्रभाव व्यक्त हुआ नहीं। विचार करें, सूर्य पृथ्वी से अनंत गुना महान है, उसे एक छोटा सा बादल कदापि ढक नहीं सकता, परंतु बादल हमारे नेत्रों को तो आवृत कर ही सकता है। बादल का आवरण हमारे नेत्रों पर आने से हमें जैसे सूर्य ढका हुआ अनुभव होता है, उसी प्रकार भगवान इतने सत्य हैं कि उन पर कोई भी अविश्वास प्रभावी हो ही नहीं सकता। परंतु अविश्वास भगवान पर आवरण डालने में असमर्थ होता हुआ भी हमारी बुद्धि को तो भ्रांत कर ही देता है। भ्रांत हो जाने से हमारी बुद्धि साक्षात भगवान के प्रति भी संदेहग्रस्त हो जाती है। अतः नाम रटने से अपने अंतःकरण की ही भ्रांति, उसका अविश्वास ही हमें हटाना है। अंतःकरण शुद्ध होते ही विश्वास स्वतः प्रकट हो जाएगा। विश्वास के उदय होते ही नाम तत्क्षण भगवान को प्रकट कर देगा। भगवान तो वह है ही। भैया सच्ची बात यह है कि भगवान सर्वत्र हैं, वे हमारे सन्मुख सदा नित्य प्रकट हैं, परंतु हमारी मलिन अंतःकरण की वृत्तियाँ, अविश्वास के कीचड़ से सनी आँखें उन्हें देख नहीं पाती। जैसे ही यह अविश्वास की कीचड़ आँखों से हटी, अनंत कोटि सूर्य को भी अपने स्वप्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान हमारे सन्मुख व्यक्त हो जाएंगे। अतः भैया किसी को भी तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी घबराहट के नाम के वाहन में चढ़कर दौड़ पड़ें और भगवान को प्राप्त कर सदा सदा के लिए निहाल हो।
हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।